हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन ग्रुप। और आज मैं आप लोगों के बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हूँ। आज जो टॉपिक हमारा ना बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सारे वनडे एग्जाम्स में, सिविल के एग्जाम्स में, और अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 के एस्पिरेंट्स हैं, साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं SSC का, अगर आप प्रिपेयर करते हैं ओ लेवल के, अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आप BCC कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं, ACC कर रहे हैं, तो उन सबके लिए एकदम मजेदार टॉपिक। और हमारा जो टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है। जी हाँ, ध्यान से सुना, सुना आपने, ये हमारे पूरे मैथमेटिक्स का, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं, पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। और आज मैं आपको नंबर सिस्टम के दोनों सीरीज को बताऊंगा, दोनों सीरीज इन द सेंस, एक होता है पहला हमारा जो होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है जो अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें आपको मैं चारों टाइप्स एक साथ बताऊंगा। आइए देखते हैं होता क्या है। बेसिकली हम नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। अब मैं पूरा नहीं लिखूं, अच्छा पूरा लिख दूं क्या, कोई बात नहीं, पूरा लिख देता हूं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। और दूसरा होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक नंबर सिस्टम। अरिथमेटिक नंबर सिस्टम, बात समझ में आई? दोनों, एक तो हमारा कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है और दूसरा होता है अरिथमेटिक का नंबर सिस्टम। तो आज मैं बेसिकली वैसे फोकस करने वाला हूं कंप्यूटर के नंबर सिस्टम पे, क्योंकि अरिथमेटिक नंबर सिस्टम आपने कई बार पढ़ा है, बहुत सारे वीडियोस पढ़े यूट्यूब पे, कई लोगों से आप लोगों ने सुना होगा, बुक्स में पढ़ा, लेकिन आज अब चूंकि जो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है ना, इसके लिए कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि सर आप कंप्यूटर के नंबर सिस्टम एक बार फिर से रिकॉल करा दीजिए, एक बार फिर से रिमाइंड करा दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले कुछ मिनट में आपको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा ऐसे टॉपिक कंप्यूटर का नंबर सिस्टम, ठीक है। और साथ हम लोग तेज भी चलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं, एक्सपीरियंस फुल हो रहे हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का हमारा नंबर सिस्टम होता है और जो हमारा अरिथमेटिक का नंबर सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, यहां पे जो हमारे पास होते हैं, यहां पे जो हमारे पास होते हैं वो चार टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर, दूसरा होता है हमारा बाइनरी नंबर, और तीसरा होता है ऑक्टल नंबर, और चौथा होता है जो हेक्सा डेसिमल नंबर। ये बात समझ में आ गई, इसमें चार टाइप्स में पढ़ने, और यहां पे हमें क्या क्या पढ़ने हैं, अरिथमेटिक के नंबर सिस्टम में जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो नंबर होता है। पहला होता है हमारा रियल नंबर, पहला होता है हमारा रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होता है, पहला होता है रियल नंबर और इमेजिनरी। और अगर आप रियल और इमेजिनरी को दोनों को मिला दें तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। रियल नंबर में भी क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। अब देखिए, इसके बाद ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, चूंकि फिर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं, और जहां पे क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। इरेशनल क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है। अब रेशनल में क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, और इंटीजर्स में भी तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर होते हैं, ठीक है। यहां पे मान लीजिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, जो हमारा था पहला डेसिमल नंबर, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में आपको कम नहीं, कोई दिक्कत परेशानी होना आपको। इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स भी तीन टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पे क्या होता है, तीन पार्ट्स होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमारा एक नंबर लाइन है, ये हमारा जीरो, इधर साइड में होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इधर होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर, और ये जो बीच में ये क्या है, ये जीरो इंटीजर हमारा है, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। अब इंटीजर्स में भी होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैथ्स का हमारा टर्म है, इसको हम लोग मैथ्स के टर्म में देखेंगे। बेसिकली आज जो मैं फोकस करने वाला हूँ, इन चारों टाइप फोकस करने वाला हूँ, यानी कि आज हम लोग बात करने, किस बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के नंबर सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं, और अब चलते अपने एकदम पॉइंट पे, इसको मिटाता हूँ। आप नोट्स बनाते रहिएगा, साथ में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। आइए अब इसको मैं दोबारा में फिर से लिखता हूँ, क्योंकि अभी हम इसको इसलिए फिर से लिखें ताकि हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको डिटेल में समझ पाएंगे और इसको हम लोग आराम से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर आप थोड़ा सा तेज पढ़ाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेज चलने की आदत तो डाल लीजिए साहब,
कब तक धीरे चलेंगे, कंपटीशन का दौर है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप अगर खरगोश की तरह चलेंगे या आप सिर्फ कछुए की तरह चलेंगे तो आप सक्सेस जाएंगे, तो ये अब असंभव है। आप सबने कहानी सुनी है ना कछुए और खरगोश की, तो लोग क्या करते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मीन्स क्या करते हैं लोग, कछुए के चाल में चलना चाहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, अब क्या करना है, आपको कछुए की तरह लगातार चलना है, कछुए की तरह लगातार चलना है और साथ में खरगोश तरह तेज चलना है। मीन्स आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, अगर आप अपने आप को एक्चुअल कॉम्पिटेटर मानते हैं तो। मीन्स यू हैव टू मेंटेन बोथ द थिंग एट द सेम टाइम, यू मस्ट बी वेरी एक्यूरेट, आपको एक्यूरेट भी होना है एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड, द स्पीड ऑफ ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन दैट शुड बी ऑल्सो एक्यूरेट, वो भी क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। आइए देखते हैं, जो हमारा कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है, जो हमारा कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसको हम सीधे वो करते हैं क्योंकि हम लोग इसी पे बात करेंगे, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को इसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड, जैसा कि अभी मैंने किया था। पहला होता हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर होता है। दूसरा होता है बाइनरी नंबर। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये इंट्रोडक्शन है, एकदम हम लोग इंट्रोडक्शन से चल रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास, इसलिए आपको आराम से देखेंगे आपको, और अगले 5 मिनट के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ आपको, मैं पूरा ये क्लियर कर दूंगा कि ये एक्चुअली में होते क्या है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, किस तरह से यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। सारी बातों को हम लोग क्लियर करने वाले आज हैं और हम लोग बेसिकली आज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आइए, डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसको एनसीएम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। और दूसरा हमारा ये बाइनरी नंबर है, और तीसरा हमारा ऑक्टल नंबर है, और चौथा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक। डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये नंबर होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल मीन्स क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 9 तक जाना है। बाइनरी में क्या होता है, बेचारा बाइनरी है, द्वि आधार है ना, तो सिर्फ यहाँ पे जीरो है और वन है। अब सोचेंगे सर ये इसका यूज़ कहाँ पर होता है, भैया जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, जो आप कंप्यूटर चलाते हैं, जो आप कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, वो क्या होता है, बाइनरी नंबर में होता है। पूरा हमारा सॉफ्टवेयर, पूरा हमारा कंप्यूटर कहाँ पर चलता है, वो बाइनरी नंबर से ही काम करता है। जैसे ही आपने हमारे सिस्टम को कोई भी कमांड दिया, किसी भी इनपुट के बाद, जैसे आपने कीबोर्ड से कोई भी कमांड दिया सीपीयू को, तो वो प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट किस में होगा, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फ्री प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो जो हमारा बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो और वन पे बेस्ड होता है, यानी कि यहां पे सिर्फ दो हमारे पास नंबर्स होते हैं। ऑक्टल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये क्या होता है, टोटल ये 8 होते हैं, ये क्या होते हैं, 8 होते हैं। और जो हमारा सबसे मजेदार हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, सबसे मजेदार हमारा जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर, सबसे मजेदार हमारा जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। जो हेक्साडेसिमल नंबर ये क्या है, ये स्टार्ट होता है जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, 13, 14 एंड 15। देखिए थोड़ी सी कहानी इसकी लंबी, हेक्सा डेसिमल ना, डेसिमल मतलब 10, हेक्सा मतलब 6, तो यानी कि 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है, तो ये हेक्सा डेसिमल नंबर होता है। यहाँ पे कुल कितने हमारे पास होते हैं कैरेक्टर्स, यहाँ पे 16 होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुल 16 है, यहाँ पे हमारे पास कुल 8 हैं, यहाँ पे हमारे पास कुल 2 हैं, और यहाँ हमारे पास कुल कितने थे, 10 थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जितना आपके पास टोटल डिजिट होगा, जितना आपके पास टोटल डिजिट होगा उतना ही उस संख्या का बेस होगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस जानते होंगे, जैसे मैं बात करता हूं यहां पे जो हमारे पास 10 है, तो इसका बेस ऐसा समझ, मैंने कोई नंबर लिखा, 214,
और अब क्या है, ये डेसिमल नंबर चूंकि ये इन सारे 10 नंबर पे बेस्ड है, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, इसका बेस 10 होगा। बात समझ में आई? मीन्स ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है और उसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा 10। इस बात को आप याद रख, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द बेस ऑफ अ डेसिमल नंबर। बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल देखते ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, कहीं आपका और ध्यान नहीं देना चाहिए, एकदम ध्यान से देखना है। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, चूंकि इन्हीं दोनों नंबर पर बेस्ड होना चाहिए, तो मैंने लिखा 01 और 01, बेस क्या लिखा मैंने 2, तो इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 2। बात समझ में आ गई? ऑक्टल नंबर है तो मैं इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा 2, 0 और 7, बेस कितना होगा 8। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इसका बेस होगा ऑक्टल नंबर का होता है बेस, वो क्या होता है, वो 8 होता है। और रही बात हेक्साडेसिमल की, मैंने कहा आपसे इसकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा भी ट्रेलर दे देता हूँ, बाकी मैं डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन बताऊंगा डेसिमल में और डेसिमल से कन्वर्जन बताऊंगा हेक्साडेसिमल में, थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ 9 तक तो कहानी सेम है, जो यहाँ पे 0 से लेकर जो 9 तक कहानी है वो कहाँ की कहानी है, वो कहानी इधर वाले आपके डेसिमल की, इधर के डेसिमल की कहानी है। लेकिन जैसे ही आप 2 डिजिट में पहुँचते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपकी एंट्री 2 डिजिट में होगी, अब तो खेला गड़बड़ हो गया। खेला गड़बड़ क्यों हो गया? अरे भाई, मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा, और मान लीजिए आपने नंबर लिखा डेसिमल में, ऐसे लिखा कि 0, 1, 2, 5, 7, 1, 7, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये नंबर लिखा, तो अब इसको आप 0, 1 समझेंगे या 12 समझेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है ना। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे जिन्होंने नंबर सिस्टम को डिज़ाइन किया है, उन्होंने क्या किया है, हमारे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसान हो, थोड़ी सी क्लियर हो, इसलिए उन्होंने क्या किया है, 10 को A से रिप्रेजेंट किया है, 11 को B से रिप्रेजेंट किया है, 12 को C से रिप्रेजेंट किया है, 13 को D से रिप्रेजेंट किया है, 14 को E से रिप्रेजेंट किया है और 15 को F से रिप्रेजेंट किया है। ये बात समझ में आ गई? मीन्स व्हाट इफ यू जस्ट यू विल प्रोसीड मोर देन 9 इन हेक्साडेसिमल नंबर, देन यू हैव टू स्विच ओवर इनटू द अल्फाबेट्स। मीन्स व्हाट, हियर द एक्चुअल सीरीज ऑफ द नंबर जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो व्हाइट बोर्ड का रेंज है, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा सपोर्ट करेगी, जो नीचे व्हाइट बोर्ड का जो रेंज है वो नीचे पूरा कवर हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक तो सेम रहेगा, लेकिन अब चूंकि 10 हो चुका, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, A, B, C, D और E। अब देखिए 10 ये हो गया और 5 टोटल कितना है 15, तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 16, इसका बेस कितना होगा 16, ठीक है। ये 10, ये 11, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 10 को, ये 11 को, ये 12 को, ये 13 को और ये 14 को और ये 15 को। बात समझ में आ गई? इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 16 यानी कि 16। पूरी बात समझ में आपको आ गई? ये था पूरा आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरे नंबर सिस्टम को देखना, कुछ भी मिस नहीं करना, ध्यान से करना है। और ये हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे, जो अभी न भूले और कभी न भूले। आइए देखते हैं, मैंने आपसे क्या बोला कि जो हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम है 4 टाइप से टोटल होता है, पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर, दूसरा है बाइनरी नंबर, तीसरा है ऑक्टल नंबर और चौथा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। जो हमारा डेसिमल नंबर होता है ये 10 नंबर पे बेस्ड होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है 9 तक पहुंचता है, और जो हमारा बाइनरी नंबर होता है ये 0 और 1 पे बेस्ड होता है, और जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है ये 0 से लेकर के 7 तक होता है, और हेक्साडेसिमल 0 से लेकर के बल्कि 9 तक नहीं बल्कि 15 तक होता है, जिसमें मैंने बताया आपसे 0 से 9 तक आपको स्ट्रेट डिजिट्स दिखेंगे और उसके बाद तुरंत आप किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, डेसिमल का बेस कितना होगा 10 होगा, बाइनरी का बेस कितना होगा 2 होगा, ऑक्टल का बेस जो होगा वो 8 होगा और हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो 16 होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 1 by 1 सबका कन्वर्जन, कि हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। आइए नंबर सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के स्टेज पे बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या
बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था आपको कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं कंप्यूटर के वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितना उसका बेस होता है और कितने डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, कन्वर्जन। हम लोग नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम पे हम लोग क्या सीखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम लोग क्या देख कर स्टार्ट किए हैं, कन्वर्जन स्टार्ट किए हैं। कन्वर्जन पहला क्या देखेंगे, पहला हम लोग जो कन्वर्जन देखेंगे वो देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। सबसे आसान होता है, सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है, ये सबसे आसान है और ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अपने साथ एक कलम और कॉपी को लेके चलिए, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी ना, क्योंकि क्या होता है जब आप लिखेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ऐसे तो फिर क्या हो रहा है, वीडियो चल रहा है सो के देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने साथ एक कलम रखने को से, जब भी हम लोग मैथ्स के किसी भी टर्न पे बात करें, किसी भी कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो थोड़ा सा अपने साथ एक कलम और कॉपी को रखने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं, डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा प्यारा नंबर होता है 51 लिया मैंने, और 51 क्या है, ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसका बेस कितना है, 10 है, और वो ये क्योंकि ये 51 ये उन नंबर पे बेस्ड है जो हमारा 0 से लेकर के 9 तक पे था, ठीक है। तो हमारा इसका बेस कितना है, 10 है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस कितना होता है, 2 होता है, जिसका बेस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात मेरी समझ लीजिए, अगर इस बात को अगर आप समझ लीजिए तो इसके बाद किसी भी नंबर को जब आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना होगा, मींस क्या, अगर या तो आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना हो, या डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्ट करना हो, या आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो, तीनों में एक कॉमन रूल होता है, रूल वो होता है कि उस डेसिमल नंबर को आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करना है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इस डेसिमल नंबर को, इस नंबर को आपको जिसमें कन्वर्ट करना है, मीन्स अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए देखते हैं, 51 है हमारा, 51 को मुझे किससे डिवाइड करना है, जल्दी बोलिए, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 को हम लोग 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि आपको पता होगा मैथमेटिक्स में आपको गुरुजी ने ये पढ़ाया था, आपको पिछली क्लास में सिखाया गया है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, या तो उससे कम होगा या तो 0 होगा, मीन्स 2 का रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, इसका कुछ और हो ही नहीं सकता है, तो हमारा रिमाइंडर आया 1। फिर से हम लोग इसी को करते हैं, 2 को कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 जाएगा हमारा, जाएगा ये 12 टाइम्स जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, 12 पूछा 24 होता है, और यहाँ हमारा फिर से क्या रिमाइंडर होगा, 1 होगा। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12 होता है, और यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 0। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 1 होगा। देखिए इसलिए रिमाइंडर लिखते हैं ना, क्योंकि जो हमारा जो आने वाला नंबर वो रिमाइंडर बेस्ड पे आने वाला है, यहाँ पे क्या होता है वो रिमाइंडर बेस्ड पे ही होता है, जितने भी कन्वर्जन है, जितने भी कन्वर्जन, चाहे वो डेसिमल का बाइनरी में हो, चाहे डेसिमल का ऑक्टल में हो, चाहे डेसिमल का हेक्साडेसिमल में हो, तीनों जो कन्वर्जन होते हैं डेसिमल नंबर के किस पे होते हैं, रिमाइंडर बेस पे होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर बात समझ, ठीक है। और दूसरी बात, जो आप रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ध्यान से हमने एरो बनाया है, देखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी नंबर वो जो होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, फिर से 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 और फिर 1, और बेस इसका क्या लगाएंगे, 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें लिखना हो 51 का बेस 10 इज इक्वल्स टू 11001 बेस 2। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। अगर समझ में आ गई तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ,
ठीक है, वैसे समझ में आ गई, बड़ा आसान टाइप है ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। और मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इससे भी मजेदार है, इससे भी अच्छी संख्या होगी आपके सामने, इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे, एक हमारे पास शुभ संख्या होती है जिसको मैं अक्सर अपने चैप्टर्स में लेके इंक्लूड करता हूँ, और इसी बहाने हमारे जुबान पे हमारे गॉड का भी नाम आता है। वो हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 214 बेस टू 10। ये समझ रहे हैं 214 क्या होता है, 214 इनटू बाइनरी नंबर। क्या करना है हमें, 214 को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, फिर से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी, मतलब जिसका बेस क्या हो, टू हो। ठीक, तो हम लोगों ने तरीका सीख लिया। हमने क्या सीखा है कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो बाइनरी का बेस कितना होता है, टू होता है। टू से डिवाइड करेंगे, फटाफट करेंगे, तुरंत करेंगे, और आइए मेरे साथ करेंगे। ठीक है, यहीं पे करते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, बल्कि हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक लाइन में कर पाएंगे आराम से, तीन चार स्टेप्स में हो जाएगा आराम से। टू से डिवाइड करेंगे, और जैसे जैसे डिवाइड करेंगे हमारे रिमाइंडर्स आएंगे, उस रिमाइंडर्स के बेस पे हमें उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि जितने भी नंबर्स कन्वर्जन होता है किस पे होता है, रिमाइंडर बेस पे होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 214 था जिसका बेस 10 था, कन्वर्ट किस में करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना जिसका बेस 2 होता है। तो ये देखते हैं 214 है किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, सबको पता होगा 2 का टेबल तो सबको आता होगा, 2 1 2, और ये कितना है देखिए 107, क्योंकि 14 था 0 आएगा नीचे और 7 2 14 होता है, तो 107 × 214 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो 5 है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या होगा, 3 2 6, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 2 4 होता है, और यहाँ पे 13 है, तो 2 26 2 होता है 52 होता है, यहाँ पर हमारा फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। आगे देखते हैं, फिर 2 से करते हैं, तो 13 2 26 होता है, हमारा रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, और 1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 3 6, और यहाँ पे 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करते हैं, 2 1 2, और रिमाइंडर 1। ये हमारी सीरीज, जो मैंने आपसे क्या बताया था कि नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नीचे से चलिए फटाफट लिखिए, 1 फिर 1 0 1, देखिए 1 1 0 1 फिर 0 फिर 1 और 1। सबसे आसान, सबसे मजेदार तरीका है हमारा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करने में, जो हमारा नंबर का था 2 से डिवाइड करना होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फटाफट करिए, वैसे मैं भी करूँगा, मेरे साथ में करना आपको, ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद तुरंत हम लोग बाइनरी से डेसिमल पे आएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल पे आएंगे। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, हाँ, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका यही है कि किसी भी डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन चूंकि एग्जाम चला था इसलिए हम लोग उसको करेंगे। 786 को डिवाइड कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जो क्या होती है इस्लाम धर्म में बड़ी शुभ संख्या, 786 बेस टू दिस की 10 है, डेसिमल है, किसमें कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना, 2। थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा, लेकिन परेशान नहीं होना, आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है, सबको टेबल्स आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं भाई। चलिए, किसमें कर, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 786 है हमारे पास, 786 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आइए करते हैं, 786 से 2 से डिवाइड करते हैं। अब बताइए, यहाँ पे 2 का पारा सबको आता है कि नहीं आता है, 2 3 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 18 हो गया था, फिर लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे ना, कितने टाइम्स जाएगा, 196 टाइम्स जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा।
अब ये नहीं कि सर कि फिर से कैसे करते, फिर आपका टाइम लगेगा, क्योंकि करना क्या, यहाँ पे देखिए 2 1 2 होता है, एक रिमाइंडर यहाँ पे 19 हो गया, तो 2 9 18 और 1 बचा यहाँ पे 13, तो जब 13 यहाँ पे है तो 6 2 12 होता है और यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब तो 196 आ गया, तो 196 क्या होता है, 98 2 जा होता है 196 और हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 करेंगे, 2 4 जा 8 और 1 रिमाइंडर यहाँ पे 49, फिर हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, हमारा कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 12 2 जा 24, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। फिर 2 से करेंगे, 6 जा होता है 2 6 जा 12 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 होता है और यहाँ पे 0 होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर 1, और इस प्रकार हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0। इतना ही आया आपका, इसको मिला लीजिएगा, 1 1 0 0 1 0 0 और 1 0 आ गया। अगर ये अगर आपने कर लिया तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा डेसिमल से बाइनरी में उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे बाइनरी टू डेसिमल की तरफ। आइए, नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, पहला जो हम लोगों ने स्टेप किया था वो क्या किया था, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे चलेंगे, और सेकंड स्टेप हमारा क्या है कन्वर्जन के सीरीज में, वो क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी डेसिमल और आसान है। हमारे पास बाइनरी नंबर्स होंगे, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया मान लीजिए 1 1 0 0 1 1। अब ये क्या है, बाइनरी मतलब क्या होगा, 0 और 1 पे बेस्ड होगा ना, बाइनरी बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में नंबर सिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बेस 2 होता, बेस इसका 2 होगा, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है, और जिसका बेस कितना होगा, 10 होगा। क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए भी एक आसान तरीका होता है, सुपर तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उसकी जो बेस है, उसकी जो बेस, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 2 है। तो अब क्या करेंगे, 2 का हम लोग क्या करते हैं, पावर ऐड करके इस साइड में प्रोसीड करते हैं। जैसे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 1 0 0 1 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 1 ऐड करेंगे, यहाँ के 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। बात समझ में आई। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कुछ डेसिमल में होता है, हालांकि उसको हम अपने एग्जांपल में देखते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, अभी आपको इसको अगले क्वेश्चन बताता हूं मैं। अब यहां पे क्या करना है, किसी भी नंबर की पावर, मैं कई बार बताया हूं फिर बता रहा हूं, किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का है, किसी भी वेरिएबल टर्म का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 0 नहीं होती। याद रखिएगा, नोट रखिए, नोट करके लिखिएगा, द पावर ऑफ, या लिखिए सीधे ऐसे लिखेंगे आप, If the power of any term is zero, then its value will be one. Its value will be one. किसी की अगर power zero है तो उसकी value क्या होगी, one होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आई। यहां पे क्या होगा, यानी कि हमें क्या करना है, 1 × 1 करना है, 1 × 1 करना, 1 × 1 करना। यहां पे क्या होगा, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 है तो क्या होगा, 2 ही होगा। यानी कि क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, 2 × 1, ये 1 था हमारा, या ऐसे कहें तो 1 × 2, 2, 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 होगी। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, साथ में जोड़ते चलेंगे। अब यहाँ पे आ गए, अब 2 की पावर 2 भले ही 4 है, लेकिन मल्टीप्लाई किसमें करना है, 0 में करना है, तो 0 × 4 करना है। तो जब आप 0 × 4 करेंगे, जब आप 0 × 4 करेंगे, आप हमें ये बताइए, ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो हम सीधे 0 लिख सकते, लेकिन अभी मैं 0 नहीं लिखूंगा, अभी मैं 0 नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा 0 × 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर जो 3 होती है वो होती है 8 होती है, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है।
ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 है लेकिन 1 है, तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस करेंगे 1 इंटू 16 करेंगे। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर क्या होती है 5, 32 होती है। सबको हम लोग जोड़ लेंगे, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 32 प्लस 16 प्लस ये 0 है और ये 0 है, मीन्स ये सेक्शन हमारा क्या है 0-0 वाला है। ठीक है, तो प्लस 0-0 को हम लोग 0 प्लस 0 कर लिए, प्लस 2 प्लस 1, आइए जोड़ते हैं, ये 32 है और 32 को हमें 16 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 48 और 48 और 3 51, 51 की बेस 10। आगे आप लोगों का समझ में आया, जल्दी बताइए फटाफट, कॉपी कलम लेके करना है, लिखते रहना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझ में नहीं आ रहा हो आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम लोग आप डेसिमल वाले पे चले, चूंकि क्या होता है अक्सर लोग स्टूडेंट्स लोग परेशान रहते हैं कि सर इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो डेसिमल टाइप के आते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे ये देखते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो डेसिमल में आते हैं तो उसमें हम लोग परेशान होते हैं, उसमें तो एकदम नहीं परेशान होना। ये आपने नोट्स को लिख लिया होगा, नोट्स जरूर याद रखिएगा, किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो है तो उसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे मान लीजिए एक्स है और एक्स की पावर अगर जीरो है तो क्या होगा, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, किसी भी टर्म का पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं और ये क्वेश्चन आपको करना है, कन्वर्ट 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, हालांकि पॉइंट वन करते लेकिन मैं पॉइंट वन अभी मैं फिलहाल नहीं करूंगा, उसको अगले क्वेश्चन में करूंगा, इनटू बेस टू है इसका, इनटू डेसिमल नंबर, इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, कोई बात नहीं हम लोग आराम से करेंगे, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है 1 0 1 0 और 1 0 और 1 है, तो मैंने क्या कहा था आपको, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर सबकी पावर बढ़ानी, चूंकि क्या है ये बाइनरी है तो बाइनरी की बेस 2 होती है, तो 2 की पावर यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 से करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 1 से करेंगे, इसमें 2 की पावर 2 से, और एक तरीका और भी होता है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो इसमें 1 से करिए, इसमें 2 से करिए ना, सब में क्या बढ़ाते हैं, मतलब क्या करना है आपको, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से करना है, इसमें 4 से करना है, इसमें 8 से करना है, इसमें 16 से करना है, इसमें 32 से करना है, इसमें 64 से करना है, दोगुना करना है। ये हमारा सेक्शन है 0 वाला, 0 0 को कैंसिल से बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो आइए देखते हैं, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, तो आप क्या करेंगे, 64 है और ये क्या है 32 है, तो 60 और 30 90, और 90 के बाद ये क्या हो गया 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, यानी कि 96, और 96 में आप 4 ऐड कर दीजिए टोटल 100 हो गया, और 100 में कितना करना है 17, तो 170 टू बेस 10। बात समझ में आ गई, ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, दो टाइप हम लोग सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे, जो हमारा अगला टाइप होता है वो हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल का, कि डेसिमल टू ऑक्टल क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, जो हमारा तीसरा टाइप है, पहला टाइप हमने क्या देखा था डेसिमल टू बाइनरी देखा था, दूसरा टाइप हमने क्या देखा था बाइनरी टू डेसिमल देखा था, और तीसरा टाइप क्या देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। एकदम परेशान नहीं होना, सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमारा डेसिमल टू बाइनरी वाला था, सेम प्रोसेस वही रहेगा, एकदम परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा हमें एक बार ट्विस्ट करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए, डेसिमल का मतलब क्या होगा, इसका बेस 10 होगा, इसका बेस 8 होगा, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैं सीधे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, चूंकि हमने आपको बेसिक बातें बता रखी है और इसके बाद सीधे हमें क्या करना है क्वेश्चंस पे करना है। ठीक है, कोई भी हमारा क्या होगा, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, और डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया, बड़ा छोटा सा नंबर मैं लेता हूँ, नंबर लेता हूँ, चलिए 220 ले लेता हूँ,
420 नहीं 220, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हमारा डेसिमल नंबर है, उसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब जिसकी बेस क्या होती है, जिसकी बेस 8 होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे ये हमारे पास नंबर था, इस नंबर को मुझे कैसे डिवाइड करना, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जब किसी भी डेसिमल नंबर को, फिर से बता रहा हूँ, मैंने बाइनरी वाले में बताया था, जब किसी भी डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसी के पावर से, सॉरी उसकी जो बेस होगी उसी से आपको ये नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, उसी से आपको इसको डिवाइड करना है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, 220 को डिवाइड करेंगे 8 से, 220 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब क्या है हमारे पास, ये 22 यहाँ पे दिख रहा है, तो 8 टू जा 16 होता है, और 8 थ्री का क्या होता है 24 होता है, लेकिन 24 तो अधिक हो गया, 22 हमारे पास है, तो यहाँ पे इसको कितने टाइम्स हम लोग ले जाएंगे, और 2 मतलब यानी कि 20 टाइम्स, ये 0 0 हमने एज इट इज़ वो कर लिया। अब यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं करते, तो ऐसे आराम से करते हैं, 8 टू जा 16 हुआ, ठीक है, 2 टाइम्स गया, तो 16 में कितना बचा, 16 मतलब क्या हो गया, और हमारे पास क्या बचा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 6 बचा हमारे पास, और यहाँ पे क्या था, 0 बचा, तो जब 6 और 0 बचा है मतलब 60 हो गया, तो 8 5 6 8 6 48 होता है, 8 7 56, 8 7 56 होता है, तो जब 56 होता तो क्या बचेगा आपके पास, 4 रिमाइंडर बचेगा, 56 और 4 7 60 होता है। अरे भाई अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे करिए ना, हालांकि ऐसे आपको करना नहीं है, ये बचपन, ये वाला बचपन वाला काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, 8 टू जा 16 हुआ, ठीक है, 16 और यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, 8 6 8 8 7 56 हुआ, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। वैसे आपको ये करना नहीं है, ये आपको इसको, क्योंकि ये क्या होता है, ये बच्चों वाला काम होता है, हम लोग बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब फिर से 8 से करते हैं, 27 है, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो कितनी बार जाएगा, 8 2 8 3 24, और कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। अब देखिए हमने क्या कहा था आपसे, लास्ट से ऊपर की तरफ चलना है, लास्ट से ऊपर की तरफ चलना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 4, और बेस कितना होगा इसका, 8 होगा। ये बात समझ में आ गई, ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बात आपको पूरी तरीके समझ में आना चाहिए, मतलब मैंने क्या किया, कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ वहाँ पे जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे तो 8 से डिवाइड करेंगे। ये बात समझ में आई, और ये क्वेश्चन आसान था। अब थोड़ा सा मैं बड़ी डिजिट लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ी डिजिट लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बड़ी डिजिट लूँगा, जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं ना, जो नंबर सिस्टम था, सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है और सबसे इंटरेस्टिंग। चलिए लेते हैं 248 को, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या करते हैं 248 को, जिसका बेस 10 है, हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, जिसका बेस क्या होगा, 8 होगा, जिसका बेस क्या होगा, 8 होगा, 248 है ही है, तो 248 कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने बताया था आपसे कि 248 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, हमें किसमें कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, और ऑक्टल का बेस कितना होता है, ये 8 होता है, ठीक है। तो देखते हैं 248 है, ये तो बड़ा आसान हो गया हो, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, तो ये तो 248 है, तो 248 में तो तुम्हें टेबल दिख रहा है, 8 का टेबल ही दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है, 8 3 जा 24, और 8 1 जा 8 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 31 है, तो 8 3 जा कितनी, 8 3 जा क्या होता है, 8 3 24 8 के 8 के 8 16 8 3 24 होता है, तो अब कितना हमारे पास, अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, और ये हमारे पास, चूंकि हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर जो हमारा, जो यहाँ पे जो कोसेंट आ गया वो डिवाइडर से छोटा आ गया, तो ये हम इससे एज इट इज लिख लेंगे, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 7 और 0 की बेस कितनी होगी, 8 होगी। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन, एकदम आराम से करना है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, एकदम हम लोग आराम से कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमें सोचना है, क्या सोचना है कि जो हमारा नंबर है वो हमें कन्वर्ट किसको किस में करना है, हम लोग बस इसीलिए कन्फ्यूज़ रहते हैं किसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है उसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको उस डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स को रिप्रेजेंट करने और नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे ऑक्टल से डेसिमल की तरफ, आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे।
अब हमारा क्या ये चौथा टाइप है। पहला टाइप हमने क्या देखा था, डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा क्या था बाइनरी टू डेसिमल, तीसरा क्या था डेसिमल टू ऑक्टल, और चौथा क्या है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा हमें सोचना है और तुरंत हमारा आंसर होगा। पता है ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे ना, यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा हमें दिमाग नहीं खर्च करना होता, सिर्फ थोड़ा सा एक बार हमें कोशिश करना, एक बार रिमाइंड करना और सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, अब क्या होगा बेस क्या होगा उसका, ऑक्टल का बेस क्या होगा वो 8 होगा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आपको, मान लेते हैं कोई आसान सा नंबर मैं लेता हूँ 17 ले लेता हूँ, बेस 8 है, किसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल का बेस कितना होगा 10 होगा। अब बताइए आप हमें, जब आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जब बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में, कि वहाँ पे क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे 8 की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहे थे, इधर मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे 8 की पावर को, मीन्स यहाँ पे, वहाँ पे 2 था, मतलब क्या था वहाँ पे बाइनरी था तो यहाँ पे इसलिए 2 था, यहाँ पे 8 है तो 8 की पावर को हम लोग क्या करेंगे बढ़ाएंगे और ऐड करेंगे। जैसे 17 है हमारे पास, तो क्या करेंगे इसको क्या करेंगे 7 से मल्टी, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और इसका करेंगे ऐड करेंगे 8 की पावर 1, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इसको आपस में प्लस कर देंगे, 8 की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है बताया था मैंने आपसे कि 1 होता है किसी के पावर 0 है, तो इंटू 7 हो जाएगा प्लस हमारा क्या है यहाँ पे 8 की पावर 1 8 होता है इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो गया 8 और प्लस क्या हो गया 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 7 क्या होता है 15 होता है, 15 होता है, बेस कितना होगा इसका 10 होगा। ये तो समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान नंबर मैंने लिया था ताकि आप लोग समझ पाए, कुछ नहीं करना है, जितना बेस होगा उसकी पावर को क्या करना है 0 1 2 3 ऐसे करके प्रोसीड करना है। ये बात समझ में आई, आइए ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, एक और क्वेश्चन में ऐसे ही देखते हैं हम लोग, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सबको दिमाग खर्च करना है। 345 लेते हैं, 345 बेस है इसका 8 और कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो 345 है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, हम तो जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हमें क्या करना है 345 को इधर से स्टार्ट करना है, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 की पावर 1 करेंगे ऐड, और यहाँ पे 8 की पावर 2 करेंगे ऐड कर देंगे, तो 8 की पावर 0 क्या होगा 1 होता है, और यहाँ पे 8 की पावर 1 यानी कि 8 इंटू 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 की पावर 2 यानी कि क्या करना है यहाँ पे 8 जा क्या होता है 64 होता है इंटू 3 करना है, और 64 3 जा कितना होता है थोड़ा सबको सोचना पड़ेगा भाई, 64 3 कितना होता है 192 होता है, और 84 जा 32 होता है, 51 जा 5 होता है, 192 आपको 32 ऐड कर देना प्लस 5 ऐड कर देना, टोटल आपका हो जाएगा 229 बेस टू 10। ये बात समझ में आ गई, मतलब आप किसी भी नंबर का अब क्या कर सकते हैं ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से कोई और मैं डिजिट कहे तो ले लेता हूँ, अगर आपको इसमें दिक्कत हो चलिए एक डिजिट और लेता हूँ, आइए एक और करता हूँ, इसको समझ में आ गया है, एक और करता हूँ फिर तब आगे चलते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और करते हैं, बाकी डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं, अगर डेसिमल में पॉइंट में रहेगा तो कुछ नहीं करना, इधर पावर को बढ़ाना उधर पावर को माइनस करना है, अभी आपको मैं सिखा दूंगा उसके बारे में कैसे करना है, उसको मैं एक अलग से एक क्लास उसकी अलग से ले लूँगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक डिजिट लेते हैं 214 जिसका बेस है 8, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक ऐसे नंबर जिसका बेस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, जिसका बेस होना चाहिए 10 होना चाहिए, कोई बात नहीं 3 डिजिट है कोई दिक्कत नहीं, 214 है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 2 से करेंगे, 8 की पावर 0 1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे 8 इंटू 1 करेंगे, और यहाँ पे प्लस करेंगे 8 जा 64 इंटू 2 करेंगे, तो हमें पता है 64 2 जा क्या होता है 128 होता है, तो 128 प्लस 8 प्लस 4 ठीक है, तो 128 है और 2 30 हो जाएगा, और 30 और 38 और
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 128 है तो इसमें से इनको हम दो और देते तो 130 हो जाएगा, और 130 और 10 140 की बेस 10। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग और आगे चलते हैं, और आगे हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आइए देखते हैं, नंबर सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और इसके अगले टाइप्स को देखेंगे। यानी कि हमने इस पर चार टाइप्स देख लिया है, बाइनरी का डेसिमल में देख लिया, डेसिमल का बाइनरी में देख लिया है, और डेसिमल का ऑक्टल में देख लिया, और ऑक्टल का डेसिमल में देख लिया, चार हमने देख लिए। अब हमें जो अगला देखना है यानी जो पाँचवा जो देखना है वो देखना क्या, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जो पाँचवा कन्वर्जन देखना है वो क्या देखना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये भी एकदम आसान होता है, ठीक है, ये भी एकदम आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना, ये भी एकदम वैसे ही जैसे सब है वैसे ही, ये भी इसमें के लिए आपको कुछ नहीं परेशान होना है, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना। बस आपको यही याद रखना है ना कि वहाँ पे क्या था, जो हम लोग 11 को क्या लिख रहे थे, 10 को क्या लिख रहे थे, 12 को क्या लिख रहे थे, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आसान सा लेता हूँ, पहले तो आसान ही लेता हूँ, 21 ले लेता हूँ, बेस 10 कन्वर्ट किस पे करना है जिसका बेस क्या हो 16 हो। अब बताइए 21 जैसे किससे, 21 है और किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जब किसी भी डेसिमल नंबर को, जब किसी भी डेसिमल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में या ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है, तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसकी जितनी बेस होती है उसकी बेस से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 21 है तो 21 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 16 से करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन को, हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, 21 है हमारा तो 21 को किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐसे करते हैं 61 से करेंगे, सॉरी 16 से करेंगे। थोड़ा सा आसान मैंने ले लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 21 है तो ये दो बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 16 2 32 होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे वन टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ पे 6 इसको वन टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है, तो 16 जाएगा इसमें से, और बचेगा कितना 17 18 19 20 21, यहाँ हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, और ये जो हमारा हो जाएगा ये 1 और 5, बेस कितना होगा इसका 16। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा एक अच्छे नंबर का लेते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा बड़े नंबर का लेके देखते हैं कि 21 वाला समझिएगा, अगर 21 वाला समझ आए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेन क्या होता है, मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम और आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चंस तो कितने भी बड़े हों कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन तो फिर कितने भी बड़े हों कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुरंत तुरंत कर लेंगे, क्वेश्चंस तो कितने भी बड़े हों हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट कि कन्वर्ट 2482, कन्वर्ट 2482 टू बेस 10 इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में से कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे 16 से डिवाइड करेंगे, चूंकि इसका बेस कितना है 16 है, इसका बेस कितना है 16 है, तो क्या करेंगे 2482 किससे कन्वर्ट करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 16 से, 16 से डिवाइड, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा कठिन तो पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना है, अगर आप 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल ये 155 टाइम्स जाएगा, और जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर इसको आपने डिवाइड ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 24 है सो 16 से एक बार जाएगा, ठीक है, और 16 पाई 5 क्या होता है 92 होता है, तो यहाँ पे जो हमारा, जब यहाँ पर हमने 16 टाइम्स ले गए थे तो यहाँ हमारा 98 आया था, तो 16 95 होता है, यहाँ पे फिर 8 बचेगा, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में 2 रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। बात समझ में आई, अब हमारा क्या है 155 है, तो सबको पता होगा 16 9 जा क्या होता है 69 जा 144 होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 9 टाइम्स ले जाएंगे, और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 11 बचेगा। बात समझ में आ रही है, बस अब क्या हो गया, ये देखिए 9 तो छोटा आ गया ना 16 से, 9 क्या इज़ लेस देन 16 है, तो जब हमारा
जब हमारा जो यहाँ पे डिविडेंड जो हमारा जो हमारा जब कोसेंट है, अगर कोसेंट हमारा डिवाइजर से कम आ जाता है, यानी कि जब हमारा जो कोसेंट है वो क्या हो गया, डिवाइजर से कम आ गया, तो अब क्या होगा हमारे पास, हमें यहीं पे स्टॉप करना होगा डिवीजन, या तो फिर पॉइंट में आता, तो हमें यह क्या करना, हमारे पास हो गया यहाँ पे 9, 11 और 2, और बताया था मैंने आपसे 11 को हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, 10 को ए लिखते हैं तो 11 को बी लिखेंगे, तो 9 बी और 2 की बेस 16। अब देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं, बोलिए भाई आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, बस क्या करना है हमें सोचना है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ऐसे ही और देखते हैं, ये क्वेश्चन तो और भी आसान है, 462 को थोड़ा डिवाइड करिए, तो चलिए 462 को फॉरवर्ड करिए, तो बेस 10 को कन्वर्ट करिए आप किस में, हेक्साडेसिमल में, चलिए कन्वर्ट करिए, चलिए कन्वर्ट करना है आपको, इसे आपको करना है, करिए करिए करिए, आइए करते हैं, 462 है, डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। अब बताइए जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 29 टाइम्स जाएगा, और जब 29 टाइम्स जाता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 बचेगा, आपका रिमाइंडर 14 बचेगा, एक बार 16 से और कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा बेचारा, एक ही बार जाएगा, यहाँ पे क्या होगा एक बार जाएगा, और जब यहाँ पे एक बार जाएगा तो अब यहाँ पे ये देखिए 16 एकम 16 होता है, 16 10 26 और 3 13 होता है, हालांकि इसको मत लिखिए क्योंकि अभी आपको ये, हालांकि इसको आपको खुद से करना है, अब एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसको मैं पूरा बताऊंगा नहीं आपको, इसे आपको खुद से करना है, और खुद से करके इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट में करना है, आंसर कमेंट करिए इसका, और हम देखें ताकि आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, क्या करना है थोड़ा सा आपको खुद को भी सोचना है भाई, तो आपको अपने खुद के अपने ब्रेन का यूज़ करना है, और आपको प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे प्रैक्टिस करने हैं आपको, ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं, और आराम से आपको पूरा सीरीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इसे बताना है, बाकी मैं इसको आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हमें इसका आंसर बताइए कमेंट में ताकि मैं समझ पाऊँ, और अब हम लोग जो आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट होगा और वो ही अंतिम होता है, जो क्या होता है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन। आइए देखते हैं, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, हमारा छठा पॉइंट होगा कन्वर्जन का, और छठा पॉइंट हमारा क्या है, ये जो है वो है हेक्साडेसिमल से, हेक्साडेसिमल से किसमें कन्वर्जन करना है, डेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं हेक्साडेसिमल एग्जाम्पल के तौर पर, आसान सा नंबर लेते हैं, चलिए ले लेते हैं हम लोग, चलिए मान ले लेते हैं 21 ले लेते हैं, ठीक है। अब 21 क्या है, ये हेक्साडेसिमल नंबर किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस क्या होगा 10 होगा, हेक्साडेसिमल है कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फिर से पुरानी बात याद करिए, मैंने आपसे क्या कहा था, जब किसी भी नंबर को, ध्यान से सुन लीजिए अंतिम बार बता रहा हूँ, जब किसी भी नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप जिसको कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा क्या है ये हेक्साडेसिमल, इसका पावर क्या, इसकी इसका बेस क्या होगा 16 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है ना, जो हमारे पास नंबर है उस हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में प्रोसीड करते हैं, और इसके पावर को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, उसका डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट होती है। जैसे देखते हैं, आइए 21 है, अब यहाँ पे 16 है, तो क्या करेंगे, 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1, यही तो करना है और क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या होगा 16 की पावर 0 है, तो यानी कि 1 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 16 की पावर 1, यानी कि 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 क्या होता है 32 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 33, किस में कन्वर्ट किया इसको मैंने, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन वो भी है, हमारे एग्ज़ाम्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी पिछली बार ओ लेवल के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन यहीं से आए थे, जिसमें हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, जिसमें एक क्वेश्चन जो मैं आपको अभी लिख रहा हूँ आप भी लिखिएगा, क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट ए
सिक्स नाइन, ए सिक्स नाइन बी सिक्सटीन इंटू इंटू डेसिमल नंबर, इंटू डेसिमल नंबर, कन्वर्ट ए सिक्स नाइन बेस सिक्सटीन इंटू डेसिमल नंबर। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू तुम्हें पता है ना क्या होती है, की वैल्यू ए का मतलब, ए का मतलब होता है टेन होता है, ए का मतलब होता है टेन होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग तुरंत तुरंत समझ लेते हैं, हम तो इतना समझ गए हम लोग, ए है सिक्स है नाइन है, तो नाइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्सटीन की पावर जीरो से, सिक्स को किसमें करेंगे, सिक्सटीन की पावर वन से, और इसमें कितने करेंगे, सिक्सटीन की पावर टू से करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं, फटाफट करते हैं, अब क्या करते हैं, हाँ आइए, यहाँ पे क्या हो गया, नाइन सिक्सटीन की पावर जीरो वन होती है, इंटू वन हो जाएगा, प्लस सिक्सटीन इंटू सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या होगा, सिक्सटीन का स्क्वायर का था टू फिफ्टी सिक्स होता है, इंटू ए मतलब टेन है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, अगर टू फाइव सिक्स है तो टू फाइव सिक्स जीरो प्लस सिक्सटीन सिक्स जा सिक्सटीन, थोड़ा सोचिए 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 सोचिए, सिक्सटीन सिक्स जा कितना होता है, नाइन्टी सिक्स होता है, प्लस नाइन, टोटल आपकी कितनी वैल्यू, टोटल आपकी वैल्यू आएगी, वो आएगी टू सिक्सटी सिक्स आ गया, सॉरी टू सिक्सटी सिक्स क्या, टू सिक्स सिक्स फाइव आएगा, ठीक है, हाँ टू सिक्स सिक्स फाइव आएगा, और बेस कितना होगा इसका, बेस होगा इसका, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसका बेस होगा टेन होगा। ये बात समझ में आई, एक वीडियो में आपके लिए अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको सारे में पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस को एक साथ सारा करा दूंगा, जब हम लोग ये डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करेंगे, या ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे, या ऑक्टल को बाइनरी में करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में करेंगे, तो सारे के जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट में कुछ करना नहीं होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एट को ऐड कर देते हैं, इसी में ऐड करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताएं, बताइए, हाँ इसी में ऐड कर देते हैं, ये तो हो गया होगा, ये बात समझ में भी आ गई होगी आपके, इसी में मैं एक ऐड कर देता हूँ, एक इसी में ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये होता, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये होता, ए सिक्स नाइन पॉइंट, मतलब पॉइंट मैंने लगा दिया, और पॉइंट एट का बेस 16 को कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तब क्या होगा, यहाँ तक की वैल्यू तो हमें पता थी, अब पॉइंट एट है, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज हमारे पास पॉइंट के राइट साइड होंगे उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें पावर माइनस करते हैं, और जो वैल्यूज हमारे पास प्लस होते इधर होते हैं इसमें वैल्यूज को हम लोग प्लस करते हैं। बात चूँकि यहाँ पे क्या था, हमारे पास नाइन था, सिक्स था और ए था, ए बोले तो टेन था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी 16 इंटू जीरो, 16 इंटू वन, 16 इंटू टू की, अब यहाँ पर करेंगे 16 की पावर माइनस वन करेंगे, है कितना 8 है, तो 16 की पावर माइनस वन मतलब क्या होता है, 16 की पावर माइनस वन बराबर होता है 1 अपॉन 16, तो जब 1 अपॉन 16 तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.5, 1 अपॉन 16 है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग सिर्फ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 हो गया, तो जो पूरा वैल्यू हमारा आया था वो आया था 2665 आया था, 0.5 और कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू होगी, इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। बात समझ में आई, मीन्स डेसिमल से अगर आप राइट साइड शिफ्ट होंगे तो आपकी जो पावर है वो माइनस होगी, और डेसिमल से अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, जैसा कि हम लोग होते आ रहे हैं, तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, प्लस पॉइंट होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।